अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए सेब के मुरब्बे की रेसिपी लेके आई हूँ। जैसा कि सेब का आजकल बहुत अच्छा सीज़न आया हुआ है, तो हमने अब सेब का आज मुरब्बा बनाया है। ये बच्चों को खिलाएं, बच्चों के लिए बहुत हेल्दी है, बहुत अच्छा है, नज़र की कमज़ोरी के लिए हमारे बहुत अच्छा है, हमारे खून की कमी को दूर करता है। ये बहुत इसके फ़ायदे हैं। आप इसको घर में बनाएं बहुत आसानी से और बहुत ही कम बजट में बन जाता है। तो चले अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। आधा किलो हमने सेब लिए, देखें, और आधा किलो हमने चीनी लिए। हम इसकी बिल्कुल बराबर से क्वांटिटी लेंगे। एक अदद हमने नींबू लिया है, 5 से 6 अदद सब्ज इलायची हैं, देखें। इसके बाद फूड कलर है हमारे पास थोड़ा सा, तो चलें अपनी। अब देखें, हम इस तरह जो एप्पल है इसको हम सबको बारीक बारीक इसके ऊपर से छिलका उतार लेंगे। इस तरह हम सब एप्पल्स को इस तरह कर लेंगे, देखें, इस तरह बारीक बारीक छिलका उतार लेंगे। इसको हमने कट नहीं करना, इसको हमने साबुत साबुत इसी तरह छिलके उतारने, और ये ऊपर से जो ये है ये भी हम कट कर देंगे। देखिए, ये हटा देंगे इसको, हम यहाँ से भी जो है ये हटा देंगे, बस ये देखें इस तरह कर देंगे, ये इस तरह कर लेंगे, बस ये हमारा डन। ये देखिए, ये करने के बाद हमने एक बाउल में पानी लिया है, उसमें थोड़ा सा हमने 1 टीस्पून नमक लिया है। इसमें हम डालते जाएंगे ताकि ये हमारे जो एप्पल हैं ये काले ना हो, ठीक है। और ये फोक की मदद से ना हम इसको इसमें इस तरह ये निशान लगा देंगे, ताकि जो ये शीरे में पके ये अंदर तक जो है बिल्कुल शीरा अंदर तक हो जाए इसके, ये अच्छी तरह कुक हो जाएंगे। ये देखिए, इस तरह हम कट ये करते जाएंगे और इसको हम पानी में, ये देखिए, इस तरह हम करते जाएंगे फोक की मदद से इस तरह, ये ताकि ये अंदर तक अच्छा सा ये कुक हो जाए। ये हम पानी में डालते जाएंगे इस तरह, देखिए, ये वो सही। इस पानी में हमने सिर्फ नमक डाला और कुछ नहीं, देखें, हमने सारे एप्पल्स को इस तरह कर लिया। अब हमने एक भगोने में पानी लिया, उसमें देखें पानी हमने गर्म करना है। उसमें हमने अपने जो अपने सारे सेब थे हम ये डाल देंगे, देखें, इस तरह डाल देंगे। इसको तकरीबन 10 मिनट हमने पकाया। 10 मिनट के बाद हम इन सारे सेब को बाहर निकाल लेंगे, इस तरह बर्तन में हम निकाल लेंगे इन सबको, सेब को इस तरह, ठीक है, इस तरह देखें हमने सब निकाल लिए। अब निकालने के बाद ये जो हमने पानी ये हमने ये जो पानी था हमारा, इसको हमने फेंकना नहीं है, क्योंकि ये हमारे एप्पल का ही पानी है। इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद देखें, हमने उसी पानी को हमने थोड़ा देर पकाना है। फिर उसमें जो हमारी सब्ज इलायची थी हमारे पास, ये जो हमने ली थी, इसको देखें दाने निकाल लिए, हम वो डाल देंगे। ये देखिए डाल दी। इसके बाद जो हमारे पास ये आधे किलो हमने चीनी ली थी अपनी, वो भी इसमें डाल देंगे। ये जो फूड कलर था हम वो भी डाल देंगे इस तरह, देखें, इस तरह मिक्स करेंगे इसको। हमारी जो चीनी है ये बिल्कुल हल हो जाएगी इसमें, ये देखें बिल्कुल हल हो जाएगी। फिर हमारे पास जो हमने एक नींबू लिया था उसका भी रस इसमें हम ऐड कर देंगे। ये एक अदद नींबू हमने लिया था वो भी हम ऐड कर देंगे। अच्छा, फ्रूट्स कलर मर्ज़ी है, आप अपनी डालना चाहें या नहीं डालना चाहिए, ऑप्शनल है, लेकिन मैंने डाला है, सही है, आपकी मर्ज़ी आप डालें या ना डालें। तो ये देखें, ये अच्छी तरह देखें पकना शुरू हो गया हमारा ये पानी, चीनी भी तकरीबन हल हो चुकी है, देखें बिल्कुल। ये अब इसमें जो हमारे जो एप्पल हमने निकाले थे अभी हम इसमें डाल देंगे, ये डाल के छोड़ देंगे इसको, इसको हम पकने देंगे कम से कम ये आधा घंटा, कम से कम ये आधा घंटा, आधा पौन घंटा ये जो है ये पकेंगे, ताकि हमारे ये जो एप्पल हैं ये गल भी जाएं, और ये जो हमारा शीरा है ये बिल्कुल एक तार का हमने करना है। ये देखें आधा घंटा हो चुका है हमारे ये मुरब्बे को पकते हुए। ये देखें, अभी हम अपना शीरा जो चेक करते हैं, ये देखें बस ये हमारा डन हो चुका है शीरा। ये इस तरह ये शीरा हमारा डन है, ये बस ये जितनी हमें चाशनी चाहिए थी ये इतनी हो चुकी है, देखें, ये देखें बस इतनी ही हमें चाहिए थी। ये देखें, हम चेक करेंगे इस तरह, ये हमने इस तरह ये निकालेंगे। निकालने के बाद हमने ये चेक करी, देखें ये एक तार, देखें कितना दूर तक जा रहा है ये, इसी तरह ये एक तार की ये देखिए कितनी दूर तक ये इस तरह, बस ये हमारा मुरब्बा डन है। इसको आप आराम से एक जार में भर के रख लें, आराम से इस्तेमाल करें, ये देखिए ख़राब नहीं होता। ये देखिए हमारी डिश, हमने डिश आउट कर दिया, देखें सेब का मुरब्बा बहुत ही मज़े का होता है, बहुत ही हेल्दी है, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है। आप सुबह नाश्ते में खाएं। आई होप आज की रेसिपी आप लोगों को मेरी अच्छी लगी है। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब।